जबकि दूसरी जानब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वजीर दिफा को जवाब देते हुए कहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब, हम ऑपोजिशन में जरूर हैं लेकिन आपके गुलाम नहीं हैं। जब कुछ बोलते हो तो हौसला भी सुनकर जाया करो। हमारे साथ नाइंसाफी की गई, हम दिल पर पत्थर रख कर ऐवान में बैठे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि आज हमें बोलने का वक्त नहीं दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने जो अल्फाज वजीर आला के पी के लिए इस्तेमाल किए उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आपने स्पेशल कमेटी की आधी बात असेंबली में सुनाई है, ये गलत रिवायत है। कमेटी में ऑपोजिशन के सिर्फ 3 बंदे हैं, बाकी तो सब हुकूमती नुमाइंदे हैं। हमारी रिकंसिलिएशन कमीशन है कि हम इस डिस्कशन में जाएं कि किस हुकूमत ने कितना अच्छा और कितना बुरा काम किया था, किस हुकूमत ने लोगों को ज्यादा सताया और किसने कम सताया, किसने एक दूसरे के पास ज्यादा किए। तो मैंने तो ये रिक्वेस्ट की थी, बराए मेहरबानी इसको असल इशू की तरफ ले आए कि अगर आप इतना दिल नहीं रख सकते कि आप हमारी बात को खुल के सुने कि पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंटेरियन के बारे में कोई बात करे, अगर आप नहीं सुनते तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपका इस्तेकाक है, आप स्पीकर साहब को कहें कि आपकी जगह किसी और को नॉमिनेट कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।